प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्म दिवस मंगलवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस शुभ मौके पर दिल्ली के लवकुश रामलीला मैदान में एक बड़ा शिविर लगाया गया, जहां आमजनों के लिए मुफ्त में जांच और दिव्यांगों में कई प्रकार के सामान बांटे गए। हालांकि पीएम मोदी ओडिशा में थे, जहां राजधानी भुवनेश्वर के जनता मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए भावुक हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर साल अपने जन्मदिवस के मौके पर वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने अपने घर जाया करते थे, जहां उनकी माँ उन्हें गुड़ खिलाती थी। आज उनकी माँ नहीं है, लेकिन इस बार एक आदिवासी माँ ने उन्हें खीर खिलाई है। ठीक लग रहा है ये सर, वो वाले घर से ये वाले घर बहुत अच्छा लग रहा है। ये घर बहुत अच्छा है ये सर। वो वाला घर तो घर ही नहीं होगा। नहीं सर, यहाँ खाना बनाने के लिए नई जगह था। हाँ। और जाने के लिए ठीक था। हाँ। यहाँ बहुत अच्छा लग। अच्छा, तो उसे दो ज्यादा है। सोने दीजिए, उनको नींद आ रही है। डॉक्टर को एक बार दिखा देना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है, थोड़ी तकलीफ होती तो भी सुनाई नहीं देता, तो ठीक हो सकता है। एक योजना में चला रहा था, यहाँ नहीं चलती। अब मुख्यमंत्री जी ने चालू कर दिया उसको। अभी कार्ड मिल जाएगा, अभी कार्ड मिल जाएगा। तो साल में 5,00,000 रुपया तक अगर कोई भी बीमारी है तो खर्चा जो है सरकार दे देगी। आपको और क्या क्या मिला यहाँ पर सरकार में व्यवस्था? गैस का चूल्हा मिला, आता है चूल्हे पर, गैस चूल्हा मिला। हाँ। और क्या मिला? चावल। बैंक से निकालो पैसा, मुझे खर्चा करना है। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, घर भी अच्छा बनाया, पंखा भी लगा दिया आपने तो, बिजली आ गई है तो इसकी फोटो ले ली है। अच्छा जी, जय जगन्नाथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।